गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ एक होली स्पेशल मेकअप लुक शेयर कर वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आप लोगों के साथ एक होली स्पेशल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल वाटरप्रूफ है एंड बिल्कुल होली प्रूफ है आप इजीली एंड इस लुक को कैरी कर सकते हो होली के दिन और इस लुक में आप देखने वाले बहुत ही स्वीट ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस लोग को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए हैं सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल अफोर्डेबल है आप इजीली आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ इस लोग को क्रिएट कर सकते हो सो so, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हो कि कैसे मैंने इस लोग को क्रिएट किया है देन इस वीडियो को बिना स्किप के जरूर एंड तक देखना एंड अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टेक अ मोमेंट तो टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसका जो छोटा सा बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू न्यूडियोज के नोटिफिकेशन एंड अपडेट सबको मिलते रहे एंड मेरी कोई भी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपसे बिल्कुल मिस ना हो सो विदाउट फर्दर डू लेट्स सो so गाइस इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है जिसकी वजह से लुक बहुत ज़्यादा कम जल्दी में कंप्लीट हो जाएगी एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होगी तो मैंने यहाँ मामा अर्थ की मॉइस्चराइजर लिया है इनसाइड की फाउंडेशन लिया है एंड लैकनी ब्लर परफेक्ट प्राइमर लिया है इसके बाद मैंने यहाँ पे इक्काई ब्यूटी की फेस ऑयल ली है एंड थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा मिले इसलिए लिया है मर्ज की कंसीलर तो सारे प्रोडक्ट्स को मैंने इस तरीके से मिक्स कर लिया है तो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर लिया है ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको वैसा ही लेना है बस आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को लेना जैसे कि मॉइस्चराइजर आप अपने हिसाब से जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हो उसे ट्राई कर सकते हो जो भी प्राइमर आप यूज़ कर सक करते हो उसे ट्राई कर सकते हो एंड जो भी फाउंडेशन कंसीलर यूज़ करते हो उसे ट्राई कर सकते हो एंड अगर आपके पास कोई भी फेस ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑलिव ऑयल को मिक्स कर सकते हो एंड ऑयल यूज़ करने की वजह से मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है फ्लॉलेस भी दिखता है वाटर प्रूफ भी बनता है एंड उसके साथ आप की स्किन को होली के कलर से प्रोटेक्ट भी करता है तो इतने सारे फ़ायदे हैं एंड ऊपर से आपकी जो मेकअप है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखती है तो आप ट्राई कर सकते हो ट्राई करके देख सकते हो तो इस तरीके से सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अपनी पूरे फेस और नेक एरिया पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत ही मिनिमम सी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक कवरेज भी मिल रही है एंड उसके साथ एक ड्यूल लुक भी मिल रही है तो इस तरीके से मैंने हाथ से ही ब्लेंड कर लिया है एंड इसके बाद मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से थोड़ा सा डैप भी कर लिया ताकि एक्सेस प्रोडक्ट या फिर कहीं पे अगर कुछ भी होगा कि ब्लेंड नहीं हुआ है तो वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंडेबल दिखेगा एंड देन मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लेकमी रोज पाउडर और ये सारे प्रोडक्ट्स भी मैंने अभी तक यूज़ किए सारे प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल है, है आप ट्राई कर सकते हो एंड आई थिंक हर किसी के पास ये वाले मिनिमम से मतलब कि बेसिक से जो प्रोडक्ट्स है रहता है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो गाइस तो इस रोज पाउडर से मैंने अपनी पूरी मेकअप बेस को सेट कर लिया बहुत अच्छे से और इसके बाद मैंने ये वाली जो बिल्कुल चीप काइंड ऑफ एक आईब्रो पेंसिल है इसकी हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज़ को फील कर लिया है ये बहुत ही चीप है आई थिंक मैंने इसे टेन टू ट्वेंटी रुपीज़ के अंदर ही परचेस किया था लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है गाइस और मेरी बहुत फेवरेट है और इसके हेल्प से मैंने इस तरीके से मैंने अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ कर लिया है एंड फ़िल कर लिया है एंड इसके साथ ही एक स्पूली ब्रश भी है तो इसकी हेल्प से मैंने बहुत अच्छे से कोम करके सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड गाइस इसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से मैंने अपनी दूसरी आईब्रो को भी फील कर लिया है ड्रॉ कर लिया है सेम पेंसिल की हेल्प से नेक्स्ट आज के आई लुक के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ब्यूटी क्लेस्ट कलर बोर्ड आई पैलेट तो इसके हेल्प से मैंने अपने पूरी आई पूरी आईलिट को कंप्लीट किया है एंड अपनी कंटोरिंग के लिए एंड ब्लश के लिए भी सेम पैलेट का ही यूज़ किया है और ये वाले जो आई शेडो पैलेट है बहुत अफोर्डेबल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और uh, सबसे पहले मैंने मार्स की कंसेलर की हर से अपने आईब्रोज को डिफाइन कर लिया है इसके बाद सेम कंसिलर को मैंने अपने आईल पर भी अप्लाई किया एज आई शेडो बेस और क्योंकि ये वाले जो आई पैलेट है पिगमेंटेशन उतनी ज़्यादा हाई पिगमेंटेशन नहीं है तो मैंने अपने आई बेस को पाउडर की हेल्प से सेट किया है क्योंकि कंसीलर के ऊपर ये बहुत अच्छे से बैठती है एंड पिगमेंटेशन थोड़ी बहुत अच्छी वाली मिल जाती है सो गाइस आई लुक के लिए सबसे पहले कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट की जो पिंक एंड पर्पल वाली शेड बोर्ड है उसमें से थोड़ा सा शिमरी हेवन व्हाइट वाला शेड पिक किया है एंड इनर कॉर्नर में प्लेस किया है इसके बाद रेड पैलेट से येलो शेड को पिक करके इस तरीके से फिंगर की हेल्प से बिल्कुल मिडिल रैलेट पर अप्लाई किया है एंड वाइट जो शिमरी शेड मैंने अप्लाई किया था उसके साथ थोड़ा सा मिक्स किया है एंड देन अगेन पिंक पर्पल शेड से सॉरी बोर्ड से पिंक शेड को इस तरीके से पिक करके आउटर कॉर्नर में प्लेस किया है एंड येलो शेड के साथ थोड़ा सा मिक्स करके इस तरीके से क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया है एंड देन सेम पहले से पर्पल शेड को इस तरीके से पिक करके आउटर में फोकस करके अप्लाई किया एंड थोड़ा सा क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया है इस तरीके से आउटर स्ट्रोक्स में एंड इसके बाद येलो शेड को पिक करके ट्रांजिशन लुक क्रिएट करने के लिए क्रीज लाइन पे इस तरीके से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है सो गाइस नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ममा अर्थ की जो कोल है उसे अपनी वाटर लाइन एंड अपनी टाइट लाइन पे एंड अपनी लाइनर एरिया पे एज अ लाइनर अप्लाई किया है और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मर्ज प्रूफ वाटर प्रूफ काजल है तो मेरी आई लुक भी बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड बिल्कुल वाटर प्रूफ स्मॉच प्रूफ हो जाती है तो कुछ इस तरीके से मैंने लाइनर एरिया पे अप्लाई करने के बाद अपनी लोअर लास्ट लाइन पे सबसे पहले पिंक शेड एंड उसके बाद येलो शेड के साथ इस तरीके से स्मर्च किया है एंड देन मैंने ये अप्लाई किया है यहाँ पे नाइका की कर्ल पावर मस्कारा जो कि बिल्कुल प्रॉपर वाटरप्रूफ प्रूफ मस्कारा है तो इसकी दो से तीन कोर्न मैंने अपने आपर एंड लोअल से पे अप्लाई किया है एंड इसके बाद इन कॉनर को एक लाइनर की हेल्प से मैंने थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड किया है ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप स्कीप कर सकते हो नेक्स्ट सेम कलर बोर्ड आई शडो पैलेट से ये वाला जो ब्राउन शेड है इसे पिक करके इस तरीके से मैंने अपना हॉर्स वर चीक्स एंड जॉ लाइन पर बहुत ही लिटिल अमाउंट में अप्लाई किया ताकि थोड़ी बहुत सनकीस्ट काइंड ऑफ एक लुक आए एंड लाइक बहुत अच्छी वाली एक स्लिम फेस दिखे तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी हॉर्स व चीक्स जॉ लाइन पर अप्लाई करने के बाद सेम शेड से ही अपनी नोज़ को भी थोड़ी सी ब्राउन्जर अप किया है देन सेम पिंक पैलेट से सेम पिंक शेड को पिक करके इस तरीके से मैंने अपनी चिक्स एरिया पे अप्लाई किया है एज ब्लशर और ये काफ़ी प्यारी सी पिंक शेड है बट मैंने इसे बहुत ही लिटिल अमाउंट में पिक करके बहुत ही लिटिल अमाउंट में अप्लाई किया है ताकि बिल्कुल नेचुरल दिखे क्योंकि ये डे टाइम लुक है और इसके बाद मैंने फॉल्स नेसेस अप्लाई किया है बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है आप बिल्कुल स्कीप कर सकते हो बट मेरी फॉल्स लैसेस भी बिल्कुल वाटर प्रूफ है तो अगर आपको वाटर प्रूफ फॉल्स नेसेस अप्लाई करना मतलब कि वाटर प्रूफ ब्लू है आपके पास तो आप ट्राई कर सकते हो इसके बाद मैंने किस ब्यूटी की ये वाले जो लिक्विड हाईलाइटर है इसे अप्लाई किया है ये बहुत अफोर्डेबल है इसमें मेरा शेयर है जीरो थ्री तो ये काफ़ी अच्छी शैम्पिन गोल्ड काइंड ऑफ़ हाईलाइटर है तो अगर आपको इसे डायरेक्टली इस तरीके के हाईलाइट हाईलाइटर आपके पास है तो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं

तो अगर आपको पसंद है तो आप ट्राई कर सकते हो ये वाली जो लिप क्रीम्स हैं बहुत अफोर्डेबल है सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ में मैंने इसे परचेस किया था तो आप ट्राई कर सकते हो एंड ये लिप्स बहुत कंफर्टेबल है लॉन्ग लास्टिंग है बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कराता तो इस लिप्स शेड के साथ ही मैंने अपनी बिंदी भी वेयर कर लिया है तो गाइस ये वाली लुक कितनी ज़्यादा वाटर प्रूफ है आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी फेस के एक साइड में पहले वाटर अप्लाई किया एंड इसके बाद आ, मैं यहाँ पे टिश्यू से इसे वाइप कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं निकल कर रही है सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं आप यहाँ पे सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम भी देख सकते हो कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं आ रही है तो हुई ना ये लाइव डेमो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो आप डेफिनेटली इस लुक को ट्राई कर सकते हो होगी एंड आज की ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड आपको कैसे लगी ये वाली लुक एंड ये वाली वीडियो या फिर आप किस तरह की कि वीडियो देखना चाहते हो होली के लिए डेफिनेटली तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन बाय बाय